गुड मॉर्निंग। ये वीडियो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 के लिए है और चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 3.6। आ गया, आदि होगा आप सबको। और हमने एक्सरसाइज 3.6 में पहला क्वेश्चन देख लिया था। हमने पहला क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को देखा था। आशा है कि आप से सब बन गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं बना या नहीं बना हो उन्हें कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में कुल 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर दो का हम तीनों क्वेश्चन का एक एक करके, हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो हम लोग समीकरण तक बता देते हैं। समीकरण के बाद जो है आपको बनाना होगा। बोल रहा है कि किसी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक तैर सकती है। ऋतु एक लड़की है जिस ओर धारा बह रहा है। मान लिया जाए कि ये हमारा धारा बह रहा है तो इधर जो है वो 20 किलोमीटर तक तैर सकती है 2 घंटे में, और इस साइड जो है वो 4 किलोमीटर ही तैर सकती है 2 घंटे में। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, पहले माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो दूसरा का पहला, आप बुक खोल के रखें सामने। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर बराबर, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर बराबर। ठीक, जब अनुकूल चल रही हो, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर बराबर, और धारा के प्रतिकूल 2 की चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता है, इस तरह हम लोग एग्जाम्पल में सवाल बना चुके हैं। और एक चीज़ और हम देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारे पास होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हम जानते हैं। तो पहली शर्त से चलते हैं, पहला शर्त क्या कह रहा है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल लेती है, यानी x प्लस y धारा के अनुकूल चाल जो है 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल लेती है। चाल बराबर दूरी बटा समय 10, यानी x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत। दूसरा अगर देखें तो बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल वो 4 किलोमीटर चल पाती है, तो दूसरी शर्त से तो x माइनस y बराबर 4/2, यानी 2, यानी x माइनस y बराबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। तो ये दोनों समीकरण को हल कीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप खुद हल करके हमें दिखाएंगे, हल करें लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इसके बाद आपको खुद हल करना है। आंसर ला के जाए, आंसर आ जाएगा x और y का, हम यहाँ रख देंगे तो चाल और इसका चाल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम इससे फिर से डिस्कशन करेंगे। आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस चीज़ में प्रॉब्लम है वो हम बता दे रहे हैं। लैंग्वेज से समीकरण बनाना हल्का सा प्रॉब्लम वाला काम होता है, ये काम हम कर दे रहे हैं।
दूसरा नंबर सवाल, दूसरा का दूसरा। कह रहा है कि दो महिलाएं और पांच पुरुष एक कसीदे में काम को एक साथ 4 दिन में पूरा करती है। दो महिला और अगर पांच पुरुष काम करती है तो काम कितना दिन में पूरा हो जाता है? 4 दिन में। इसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में कर सकते हैं, तो इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना दिन समय लेगी और इसी कार्य को करने में अकेला पुरुष कितना दिन समय लेगा? चलिए देखते हैं। देखेंगे महिला द्वारा लिया गया समय, महिला द्वारा अकेले महिला लिख रहे हैं, अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर एक्स दिन, ठीक है, और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर वाई दिन। अगर एक अकेला महिला काम करती है तो एक्स दिन लेती है और अकेले अगर पुरुष काम करता है तो वाई दिन लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर दो महिला यानी 2x 2x और पांच पुरुष 5/y अगर किसी काम को कर रहा था तो उसे 4 दिन लग रहा था, तो हम इसे क्या कर देंगे? 1/4 दिन, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे इसे। इसी काम को अगर 3 महिला और कितना पुरुष 6 पुरुष कर रहे थे तो 1/3 दिन मतलब 3 दिन लग रहा था, समीकरण 2 मान लेंगे इसे। इस समीकरण को आप हल कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ये करने आप जानते हैं, एकदम जानते हैं आप, हमें हल करके दिखाइएगा। आंसर नहीं बनता है तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर देंगे, बना कर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्या कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम्पल में बना चुके हैं। बोले रूही क्या करती है, अपने उसका घर जो है 300 किलोमीटर दूर है, वो कुछ दूर रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर बस की चाल बराबर वाई किलोमीटर पर आवर समय बराबर दूरी बटा चाल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पहली शर्त से लेते हैं, पहली शर्त से कह रहा है कि पहले शर्त में अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यानी 60/x प्लस कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी 300 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर घटा देंगे तो बचा कितना, तो 240 किलोमीटर रेल के द्वारा तय करती है, तो समय लग जाता है 4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ देखें तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है 60 का, तो यहाँ होगा 1/x प्लस अगर निकालें 15 चौके 60 यानी 4/x इसी को समीकरण मानते, कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा करना हो तो हमें कॉमन लेना चाहिए, यहाँ हम लोग 4 कॉमन लेते हैं तो 15 चक्कर 60 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 4 में काटना है, तो 15/x प्लस 60/y बराबर 4, और ये 4 और 4 कट गया,
तो 15 बटा x प्लस 60 बटा y बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा था कि अगर वो कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो 100 बटा x बचा कितना 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वो बस से चलती है तो 10 मिनट समय अधिक लेता है, 4 घंटे में 10 मिनट बढ़ा दिए तो 10 मिनट समय अधिक लेता है 10 मिनट। तो यानी अगर हम देखें तो 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 40, 4 प्लस मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 10 बटा 60, ये 0 और 0 कट गया तो हो जाएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर, नहीं काटते हैं आपको लगेगा कि काट कैसे दिए, आगे काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। 60 को अगर 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 240 प्लस 10 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 250 बटा 60, 0 0 कट गया 25/6 हमारे पास आता है 100x प्लस 200x बराबर 25/6। कम क्या करते हैं 25 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 25 कट जाएगा, 25 × 100 25×8 = 200 बराबर 25/6। कोई दिक्कत नहीं, ये 25 और 25 कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है तो 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6, ये समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 एवं 2 से। इसके बाद आप हल कर सकते हैं, ठीक है, आप x और y का मान निकालिए और भी बैठा दीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस प्रकार हम चैप्टर 3 पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। ये चैप्टर 3 पूरी तरह ख़त्म हो गई, इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो ऐच्छिक है, वो नहीं बनाना है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट डे अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर को लेके हम चैप्टर 4 लेकर आएंगे या कुछ अन्य चैप्टर देखेंगे जो आपके सिलेबस में होगा वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप चैप्टर 3 तक हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द हमें बना के दिखा दीजिएगा और इसका असाइनमेंट आप ज़्यादा अधिक तरीके से अधिक अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछें, कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कमेंट करें, आप यूट्यूब पे कमेंट करें। अब हम आपके सामने लाइव हो चुके हैं, लाइव मतलब फेस टू फेस आ चुके हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि फेस टू फेस देखने को मिल रहा है। तो और कोशिश किया जाएगा, कुछ दिन के बाद आपके पास लाइव क्लासेस भी चलाई जाएगी, आप लाइव कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा उस समय आइए और आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर अभी इसी तरह से पढ़िए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछिए, हमें आशा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम एक एक बारीकी के साथ चले हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।